So students, we will teach how to write capital U. Okay. So students, firstly open your notebook. Then write class work. Here is an apple. U letter लिखना है capital U. Umbrella का picture draw करना है. Class work आपको one page complete करना है. तो चलिए देखते हैं students, U letter है capital U. ये लिखते हो हमें ऊपर की line इस्तेमाल करनी है इस तरह से standing line. और यहाँ में भी स्टैंडिंग लाइन, देन बीच में एक और लाइन देनी है और कहना है आपको यू फॉर अम्ब्रेला. ओके, इस तरह से यू फॉर अम्ब्रेला ऐसे कहते हो, आपको कंप्लीट करना है यू फॉर अम्ब्रेला. यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. ये जो क्लास वर्क आपको वन पेज कंप्लीट करना है, कहना है यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, इस तरह से यू फॉर अम्ब्रेला, 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 ऐसे कहते हो. जो यू लेटर है ये आपको वन पेज राइट डाउन करना है क्लास वर्क में. अभी हम स्मॉल यू देखेंगे, स्मॉल लेटर यू एक इस तरह लिखते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स नोटबुक के नेक्स्ट पेज पे स्मॉल यू लिखना है. ये भी क्लास वर्क आपको वन पेज कंप्लीट करना है. यहाँ पे भी हमने अम्ब्रेला का पिक्चर ड्रॉ किया है, चाइल्ड अम्ब्रेला है वो, बेबी अम्ब्रेला. तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो यू है स्मॉल यू लिखते वक्त जो टू लाइन होती है मिडल वाली वो इस्तेमाल करनी है. इस तरह से स्मॉल शेप वहां पे जो है आपको ड्रॉ करना है और इस तरह वहां पर कर्व देना है और कहना है आपको यू फॉर अम्ब्रेला. इस तरह से यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. ये भी क्लास वर्क आपको वन पेज कंप्लीट करना है. यू फॉर अम्ब्रेला कहना है, यू फॉर अम्ब्रेला, 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 यू फॉर अम्ब्रेला. ये आपको वन पेज कंप्लीट करना है क्लास में. यू फॉर अम्ब्रेला कहना है स्टूडेंट्स, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. ये आपको वन पेज कंप्लीट करना है स्मॉल यू एंड कैपिटल यू वन पेज लिखना है आपको एंड स्मॉल यू भी आपको वन पेज एंड टोटली टू पेजेस पे कैपिटल एंड स्मॉल यू लिखना है क्लास वर्क में. अभी हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे. सो स्टूडेंट्स ओपन यूर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स. ऑन पेज नंबर 42 देयर आर यू लेटर्स यू फॉर अम्ब्रेला. यहाँ पे अम्ब्रेला का पिक्चर दिया गया है. ट्रेस एंड राइट, यहाँ पे हमें ट्रेस करना है और लिखना है. यहाँ देखिए यू दिख रहा है. ओके, यहाँ पे ट्रेस करेंगे स्टूडेंट्स हम और कहेंगे यू फॉर अम्ब्रेला. यू फॉर अम्ब्रेला कहते हुए आपको कंप्लीट करना है यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. यहाँ पे भी यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. देखिए प्रॉपरली ट्रेस करना है, कहना है इस तरह से, कहना है आपको यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. यहाँ पे भी ट्रेस करेंगे शुरुआत में, यू फॉर अम्ब्रेला कहेंगे, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. यह आपको लिखना है यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. ऐसे कहते हुए आपको पेज नंबर 42 कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आपको कैपिटल यू लिखना है स्पेस पे, इसकी फोटोज मुझे सेंड करने हैं. अभी हम स्मॉल यू देखेंगे. सो स्टूडेंट्स जो पेज नंबर 43 है वहाँ पे आपको स्मॉल यू लिखना है. यहाँ पे यू फॉर यूटेंसिल दिया है, बर्तन के पिक्चर दिया है, तो आप यूटेंसिल भी कह सकते हैं. ट्रेस एंड राइट, या देख सकते हैं यू दिया है, तो जो मिडिल वाला लाइन में जो लिखा हुआ यू है वो आपको ट्रेस करना है. कहना है यू फॉर यूटेंसिल, यू फॉर यूटेंसिल, यू फॉर यूटेंसिल,
U for utensil, U for utensil, यहाँ पे भी इस तरह से U for utensil, U for utensil, देखिए properly U for utensil, U for utensil यहाँ पे लिखना है, U for utensil कहना है, U for utensil, U for utensil, U for utensil, यहाँ पे भी देखेंगे हम, प्रेस करेंगे शुरुआत में, U for utensil, U for utensil, U for utensil यहाँ पे लिखेंगे, U for utensil कहेंगे स्टूडेंट्स सर, U for utensil, U for utensil, U for utensil ऐसे कहते हो, आपको पेज नंबर 42 ये कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, और इसके भी फोटोज मुझे सेंड करने हैं। तो अभी हमने टेक्स्ट बुक में देखा पेज नंबर 42, यहाँ पे कैपिटल यू लिखना है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट करना है आपको, यहाँ पे राइट डाउन करने लेटर्स। देन पेज नंबर 43, इस पर भी आपको यू लेटर लिखना है, स्मॉल यू, ये भी आपको कंप्लीट करना है, यानी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 एंड 43 ये दोनों कंप्लीट करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। अभी हम होमवर्क देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, नोटबुक में आपको यू ए लेटर लिखना है, होमवर्क में अम्ब्रेला का पिक्चर ड्रॉ करना है, नोटबुक हेडिंग देना है होमवर्क 2 पेजेस, ओके, होमवर्क आपको 2 पेजेस कंप्लीट करना है, इस तरह से यू लेटर लिखना है, देना है, यू फॉर अम्ब्रेला बिकॉज यहाँ पे अम्ब्रेला का पिक्चर है, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, पेरेंट्स आप ऊपर के साइड में लिख के दे सकते हैं, स्टूडेंट देख के नीचे कॉपी करेंगे, कहेंगे यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यहाँ पे भी U for umbrella, 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 ऐसे कहते हो आपको होमवर्क 2 पेजेस कंप्लीट करना है, ओके। अभी हम स्मॉल यू का होमवर्क देखेंगे, तो उसके नेक्स्ट पेज में आपको स्मॉल यू लिखना है, यहाँ पे बेबी अम्ब्रेला दी गई है, यू फॉर अम्ब्रेला, ये भी होमवर्क आपको 2 पेजेस कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। तो ये मिडिल लाइन में लिखना है स्मॉल यू, इस तरह से यू फॉर अम्ब्रेला कहना है आपको, या पेरेंट्स आप ऊपर के साइड में लिख के दे सकते हैं, स्टूडेंट देख के नीचे कॉपी करेंगे, इस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स आपको, यू फॉर अम्ब्रेला स्मॉल यू है, बहुत ईजी है, यू फॉर अम्ब्रेला कहना है, यू फॉर अम्ब्रेला ऐसे कहते हुए कंप्लीट करना है आपको, यू फॉर अम्ब्रेला, U for umbrella, U for umbrella, यहाँ पे भी U for umbrella, U for umbrella, U for umbrella, U for umbrella, ऐसे कहते हो आपको U लेटर लिखना है, अम्ब्रेला का पिक्चर ड्रॉ करना है, होमवर्क में कंप्लीट करना है, U for umbrella स्मॉल U 2 पेजेस, यानी स्टूडेंट्स नोटबुक में आपको होमवर्क कैपिटल U 2 पेजेस एंड स्मॉल U 2 पेजेस टोटली कंप्लीट करना है, उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं, और मैंने आपको क्लास वर्क दिया था शुरुआत में, वो भी आपको 1 पेज कैपिटल यू लिखना है, 1 पेज स्मॉल यू लिखना है, देन उसके फोटोज मुझे सेंड करने, और किताब में पेज नंबर 42-43 पे मैंने सिखाया था कैपिटल यू और स्मॉल यू, वो भी आपको कंप्लीट करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं, ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।